राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने में महज अब कुछ ही वक्त बचा है। ऐसे में वहां चुनावी सरगर्मी काफी बढ़ी है। इस बीच कोटा संभाग के 12 की अंतर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच घमासान तेज है। 12 में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें भाजपा प्रत्याशी कंवरलाल मीणा ने कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया को कथित तौर पर दोनों टांगे तोड़ने की धमकी दी और साथ ही कहा कि वसुंधरा जी ने मुझे यहां प्रमोद जैन भाया का इलाज करने भेजा है। दरअसल सोशल मीडिया पर कंवरलाल मीणा का एक वीडियो जमकर वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा, अब तो सब लग जाओ, 36 ही कौम लग जाओ, और लगते वक्त चुनाव के वक्त कोई बात हो जाती है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो मैं भगवान के सामने कह रहा हूँ सारी जिम्मेदारी मेरी है, डरना मत हमारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करते हुए कोई गलती हो जाती है तो हम कानून की किताब नहीं देखेंगे, हम तो आप लोगों के पक्ष में एक तरफा बोलेंगे। भाजपा प्रत्याशी का यह वीडियो 12 नवंबर का बताया गया। अब बीजेपी उम्मीदवार के इस बयान पर जमकर राजनीति हो रही है। प्रमोद जैन भाया की दोनों टांगे तोड़ने, कार्यकर्ताओं को कानून हाथ में लेने की बात कहने और चुनाव के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की आशंका को लेकर प्रमोद जैन भाया द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक 12 को पत्र लिखकर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। आपको बता दें कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को वोटिंग होगी। इसके लिए कुल 2,365 कैंडिडेट्स में से 490 उम्मीदवारों ने अंतिम दिन नामांकन पत्र वापस लिए। अब 1,875 प्रत्याशी मैदान में चुनावी ताल ठोकेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2023 में 200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन वापसी के बाद अब 1,875 उम्मीदवार शेष हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.